चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। राजनीति के महान जानकार आचार्य चाणक्य एक चतुर कूटनीतिज्ञ, एक बेहतर इकोनॉमिस्ट के रूप में विश्वविख्यात हुए। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उन्होंने डेली लाइफ में वर्क और बिहेवियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जो आज भी हमारी लाइफ के लिए बेहतर रिलेवेंट है। आज के वीडियो में आपको बताते हैं आचार्य चाणक्य की कुछ खास नीतियों के बारे में। नंबर वन, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना हो तो आपको चुप रहना सीखना होगा और अपने विवेक से काम लेना होगा। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी विवाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और फालतू की बातों में नहीं पड़ना है। नंबर टू, खुश रहना है तो तनाव से दूर रहो। आप मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी है। जिसका मन उनके साथ नहीं होता वो व्यक्ति दुखी रहता है, और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, और सभी दुखों की जड़ ये लगाव ही है। जब आप किसी के साथ हद से ज्यादा लगाव रखते हो तो आप माया और मोह के चक्र में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण होता है। नंबर थ्री, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए। जब हमारा जन्म होता है तब हम सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही हमारे सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ हम कई गहरे रिश्ते बना जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी जो भी लोग मिले हैं या फिर जिनके साथ अच्छा रिश्ता है उनको हम बता देते हैं, जो बाद में दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है। अब चाहो या ना चाहो, घर के बाहर बात पहुंच ही जाती है जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं हो सकती। और वैसे भी सबको पता ही है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, और उसी कमजोरी का लोग आपसे फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए ऐसे में आपको कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, या फिर आपसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो। आपको किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए इसे बताने से जरूर डरना है। अगर आपने अपनी कमजोरी को बता दिया तो आगे जाकर आप बुरी तरह फंस सकते हैं। हम ज्यादातर लोग अपने नजदीक के रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियों से उजागर कर देते हैं, मतलब कि बता देते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत महंगी साबित हो सकती है। नंबर फोर, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं। हम आपसे बात करते हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी, वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करते हैं, तो उसी टाइम में समझ ले कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। ऐसे लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या फिर इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचे। नंबर फाइव, धन का सोच समझकर खर्च करना है। वैसे ये वाक्य बहुत बार सुना होगा आपने कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल है। बात बिल्कुल पते की है, बिना धन की ना इज्जत है, ना सुख है और ना ही समृद्धि। हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। वैसे पैसों की बात चल ही रही है तो पैसे कितने जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे, और पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना आप बचाते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है चाणक्य की इन बातों के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।